तो दोस्तों आज हम राजस्थान सीईटी के लिए 25 इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में बात करेंगे और यह प्रश्न पिछली परीक्षाओं से लिए गए प्रश्न हैं। और वीडियो को आप लाइक भले ही मत करें लेकिन वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है आपके लिए। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो आपका पहला सवाल है कि स्वतंत्रता के पश्चात विधिवता रूप से हमारे प्रदेश का नाम राजस्थान कब किया गया? तो यह किया गया था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, 26 जनवरी 1950 को क्या किया गया? स्वतंत्रता के पश्चात विधिवता रूप से हमारे प्रदेश का नाम है जो राजस्थान कर दिया गया था, कब? 26 जनवरी 1950 को कर दिया गया था। और दोस्तों मैं आपको 25 प्रश्न पूछूंगा जिसमें आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें लास्ट में ज़रूर बताएं। ठीक है, कमेंट करके बताएं कि हमने कितने प्रश्न सही किए हैं। इसलिए मैं प्रश्न पढ़ूँ उससे पहले आप उत्तर तैयार रखिए जिससे कि आपकी क्या होती है, प्रिपरेशन होती रहेगी। ठीक है, अगला सवाल है कि वाल्मीकि ने राजस्थान के भूभाग को क्या नाम दिया है? तो आपको याद रखना है यह नाम दिया है मरुकांतार। ठीक है, मरुकांतार नाम दिया है किसको दिया है? तो राजस्थान को नाम दिया है। और किसने दिया है? तो आपको याद रखना है यह नाम दिया है वाल्मीकि ने। ठीक है, अगला सवाल है कि स्वतंत्रता के समय राजस्थान में कितनी रियासतें एवं ठिकाने थे? तो आपको याद रखना है यह थे 19 रियासतें एवं 3 ठिकाने थे। कब? तो स्वतंत्रता के समय थे राजस्थान के। ठीक है, और अजमेर मेवाड़ा को केंद्र शासित प्रदेश थे। ठीक है, अजमेर मेवाड़ा थे जो केंद्र शासित प्रदेश थे। अगला सवाल है कि राजस्थान का वह शहर जो त्रिकोणात्मक शैली में बसा हुआ है, तो आपको याद रखना है वह शहर है झालावाड़। ठीक है, झालावाड़ जो शहर है वह त्रिकोणात्मक शैली में बसा है। कौन सा शहर? झालावाड़। अगला सवाल है कि आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं, तो आपको याद रखना है यह माने जाते हैं मोहनलाल सुखाड़िया। ठीक है, मोहनलाल सुखाड़िया वह व्यक्ति हैं जो आधुनिक राजस्थान के निर्माता माने जाते हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? तो राजस्थान दिवस मनाया जाता है 30 मार्च को। ठीक है, 30 मार्च को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 30 मार्च को मनाया जाता है राजस्थान दिवस। अगला सवाल है कि राजस्थान का निर्माण किस तिथि को हुआ था? तो आपको याद रखना है राजस्थान का निर्माण हुआ था 1 नवंबर 1956 को। ठीक है, 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ था? राजस्थान का निर्माण हुआ था। अगला सवाल है कि राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ कहाँ है? तो आपको याद रखना है इसकी जो मुख्य पीठ है वह है जोधपुर में। ठीक है, जोधपुर में क्या है? राजस्थान उच्च न्यायालय की मुख्य पीठ है कहाँ पर? जोधपुर में। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रथम आम चुनाव कब हुए थे? तो आपको याद रखना है जो आम चुनाव हुए थे वह हुए थे 1952 को। ठीक है, राजस्थान में जो प्रथम आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे? तो यह हुए थे 1952 को। अगला सवाल है कि राजस्थान का लोह पुरुष कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं दामोदर लाल व्यास को। ठीक है, दामोदर लाल व्यास वह व्यक्ति है जिन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का लोह पुरुष कहा जाता है। अगला सवाल है कि राजस्थान का नेहरू कहा जाता है? तो किसे कहते हैं? तो यह कहते हैं पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को। ठीक है, पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी वह व्यक्ति है जिन्हें क्या कहते हैं? राजस्थान का नेहरू कहा जाता है। अगला सवाल है कि राज्य की प्रथम महिला राज्यपाल नियुक्त की गई? तो आपको याद रखना है यह नियुक्त की गई थी श्रीमती प्रतिभा पाटिल को। ठीक है, श्रीमती प्रतिभा पाटिल वह महिला थी जिन्हें राजस्थान की प्रथम राज्यपाल है जो नियुक्त किया गया था। किसे? श्रीमती प्रतिभा पाटिल को। अगला सवाल है कि राज्य की कौन सी विधानसभा निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी? तो आपको याद रखना है वह थी छठी। ठीक है, छठी जो विधानसभा थी वह निर्धारित कार्यकाल की समाप्ति से पूर्व ही भंग कर दी गई थी। कौन सी विधानसभा? तो छठी विधानसभा। अगला सवाल है कि डांग क्षेत्र में आने वाला भूभाग है? तो डांग क्षेत्र में आता है धौलपुर करौली और सवाई माधोपुर का कुछ भाग। इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, उक्त सभी। ठीक है, ये सभी हैं जो डांग क्षेत्र में आने वाले भूभाग हैं। अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे? तो वह थे कौन? वह थे जयपुर महाराजा स्वाई मान सिंह। ठीक है, जयपुर महाराजा स्वाई मान सिंह वह व्यक्ति थे जो राजस्थान के प्रथम एवं एकमात्र राज प्रमुख थे। कौन? जयपुर महाराजा स्वाई मान सिंह। अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे? तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे कौन? सरदार गुरुमुख नियाल सिंह। ठीक है, सरदार गुरुमुख नियाल सिंह वह व्यक्ति थे जो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल थे। कौन थे? सरदार गुरुमुख नियाल सिंह। अगला सवाल है कि राजस्थान की प्रथम महिला विधायक थी? तो वह थी
श्रीमती यशोदा देवी। ठीक है, श्रीमती यशोदा देवी वह महिला थी जो राजस्थान की प्रथम महिला विधायकी थी। अगला सवाल है कि भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण कहाँ किया गया, तो आपको याद रखना है यह परीक्षण किया गया था पोखरण में, और पोखरण कहाँ पर है, जैसलमेर में। ठीक है, पोखरण जैसलमेर में किया गया था क्या, भारत का पहला भूमिगत परमाणु परीक्षण है जो किया गया था कहाँ पर, पोखरण में। अगला सवाल है कि मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है, तो आपको याद रखना है वह महिला है श्रीमती अरुणा रॉय। ठीक है, श्रीमती अरुणा रॉय वह महिला है जो मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाली राजस्थान की प्रथम महिला है। कौन, श्रीमती अरुणा रॉय। अगला सवाल है कि राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है, तो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है कौन, भरतपुर। ठीक है, भरतपुर वह जिला है जो राजस्थान का प्रवेश द्वार कहलाता है। अगला सवाल है कि राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज कहाँ स्थित है, तो आपको याद रखना है यह स्थित है जयपुर ज़िले में। ठीक है, जयपुर ज़िले में क्या स्थित है, राज्य का एकमात्र स्टॉक एक्सचेंज है जो स्थित है कहाँ पर, जयपुर में। अगला सवाल है कि राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे, तो राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे के राधाकृष्णन। ठीक है, के राधाकृष्णन वह व्यक्ति थे जो राज्य के प्रथम मुख्य सचिव थे। अगला सवाल है कि राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग किस ग्रंथ में हुआ है, तो आपको याद रखना है यह जो प्रयोग हुआ है यह हुआ है राजरूपक और मूणोत्नैंसी की ख्यात। ठीक है, राजरूपक और मूणोत्नैंसी की ख्यात में क्या हुआ है, राजस्थान शब्द का प्राचीनतम प्रयोग हुआ है किस ग्रंथ में, राजरूपक ग्रंथ और मूणोत्नैंसी की ख्यात में हुआ है, इसलिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर द। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है कि राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे, तो आपको याद रखना है वह थे श्री टीकाराम पालीवाल। ठीक है, श्री टीकाराम पालीवाल वह व्यक्ति थे जो राजस्थान में प्रथम आम चुनावों के बाद बनने वाले प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री थे। कौन, श्री टीकाराम पालीवाल। अगला सवाल है कि राजस्थान की पहली पोस्ट वूमेन कौन है, तो आपको याद रखना है राजस्थान की पहली पोस्ट वूमेन है गोपाली देव शर्मा। ठीक है, गोपाली देवी शर्मा है जो राजस्थान की पहली पोस्ट वूमेन महिला है। कौन, गोपाल देवी शर्मा। तो दोस्तों, आपने कितने प्रश्न सही किए हैं वो हमें जल्दी से जल्दी कमेंट करके जरूर बताएं। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन जो आपको मिलती रहेगी। धन्यवाद।